हे गाइस व्हाट्सअप, तो आ चुका हूँ एक और PUBG मोबाइल का वीडियो लेके। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं फोर फिंगर क्लॉ वर्सेस फाइव फिंगर क्लॉ। तो गाइस इन दोनों चीजों के बारे में इस वीडियो में अपन लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि भैया कौन सा जो है बेटर है खेलने के लिए, मतलब तुम लोग को अगर और अच्छा अपना गेम प्ले करना है तो यार कौन सा जो है बेटर होगा फोर फिंगर की फाइव फिंगर, उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। और गाइस एक्चुअली मैं भी फोर फिंगर खेलता हूँ, फाइव फिंगर की मतलब मैंने अभी तक सोचा नहीं है। और गाइस मेरा अभी फ़ोन थोड़ा छोटा है, उसकी वजह से Redmi Note 5 Pro है, तो मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा सफेस्टिकेटेड फील होता है खेलने के लिए। मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार फोर फिंगर ही खेलेंगे, उसके बाद कभी कोई नया फ़ोन लेंगे तो फाइव फिंगर ट्राई करके देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं तुम लोग को सेटअप बताने वाला हूँ दोनों के, फाइव फिंगर और फोर फिंगर, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे तुम लोग अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो फाइव फिंगर में, फोर फिंगर में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं अगर तुम लोग फोर से फाइव में जाते हो, और कितना टाइम लगता है उसको सीखने में, वो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने अभी तक एक दो बार ही ट्राई किया है फाइव फिंगर और मेरे से खेला नहीं गया, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसा तुम लोग के साथ ये चीज़ हो सकती है अगर तुम लोग चेंज करो तो, और क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। लेकिन गाइस इस वाली वीडियो को मैं एक बार शुरू करूँ उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ, अगर जो तुम लोग मास्टर केवी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और इस वीडियो पर लाइक जरूर से ठोक देना गाइस, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं देखो तुम लोगों को अपना फोर फिंगर का सेटअप बता देता हूँ, और गाइस ये बेस्ट सेटअप है मेरे हिसाब से तो फोर फिंगर का। तो गाइस ये वाला सेटअप अगर तुम लोग यूज करते हो तो यार बहुत ज्यादा अच्छा है, और तुम लोग देख सकते हो मैंने ऊपर ही जो है क्राउच होने का ऑप्शन रखा हुआ है, तो यार इससे मैं फाइव फिंगर जैसे ही ऐसा ही कुछ रहता है फाइव फिंगर में भी, वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो यार फाइव फिंगर वाले सेटअप में देखो ये जो है मेरे हिसाब से फाइव फिंगर का सेटअप है, और एक सेटअप है मैं तुम लोग को वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला देखो। इसमें जो है तुम लोगों ऊपर देखो लेफ्ट साइड में ऊपर दो उंगलियों को अपनी लेफ्ट साइड की मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है उन दोनों को यूज करना पड़ेगा इस वाले फाइव फिंगर वाले क्लॉ में, अगर तुम लोगों को फाइव फिंगर खेलना है तो। तो यार अगर तुम लोग मिडल फिंगर से स्कोप करते हो और इंडेक्स फिंगर से जो है क्राउच होते हो, या फिर ये चीज़ जो है तुम लोगों, ये वाला सेटअप तुम लोगों क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आने वाला है गाइज। तो गाइज इसमें तुम लोग ध्यान से देखो, मैंने जो है क्राउच का ऑप्शन जो है वहाँ पर रखा है, तुम लोग क्राउच या डायरेक्ट सोने का ऑप्शन वहाँ पर रख सकते हो अगर तुम लोग चाहते हो तो। तो गाइज लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर से तुम लोग स्कोप करोगे और उसी समय पर तुम लोग जो है क्राउच होगे। तो गाइज यार यही चीज़ जो है मैं फोर फिंगर में भी कर लेता हूं। तो इस फोर फिंगर में तुम लोग देखो ये जो है तुम लोगों को फोर फिंगर का सेटअप दिख रहा होगा, फोर फिंगर में मैं बिना मतलब देखो अभी बिना स्कोप किए तुम लोग मतलब क्लोज रेंज में बिना स्कोप के ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। क्लोज रेंज में तुम लोग स्कोप करोगे तो भैया बंदा यहाँ वहां घूम रहा है तो फटाफट कैसे स्कोप करोगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर बिना स्कोप के तुम लोग क्लोज रेंज में फाइट लो मेरे हिसाब से तो। तो गाइज इधर पे मैंने देखो क्राउच होने का बटन कहाँ पर रखा है तुम लोग देख सकते हो। तो गाइज जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है तो यार मैं स्कोप नहीं खोलता, लेफ्ट साइड से एक तो फायरिंग चालू रखता हूँ अपनी और सीधा क्राउच हो जाता हूँ, जिससे जो है बंदे का फायरिंग जो है मेरे से मिस हो जाता है, मेरे बॉडी पे नहीं लगता है। तो गाइज इन दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं तुम लोग को एक और देखो फाइव फिंगर क्लॉ का एक और सेटअप दिखाता हूँ जिसमें तुम लोग का स्पीड जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन गाइज इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तुम लोग का मतलब उंगली तो इतना दर्द देगा ना गाइस। मैंने दो तीन दिन ट्राई किया लेकिन गाइस मेरे से नहीं हुआ, मैं अभी थोड़ा बड़ा फोन अगर आ जाएगा तो यार उस पर जरूर ट्राई करूंगा और तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर फाइव फिंगर क्लॉ का ये वाला सेटअप जो है बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर तुम लोग का बड़ा फोन है तो यार तुम लोग प्लीज इसको ट्राई करो, बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और गाइस मेरे हिसाब से फोर और फाइव फिंगर में इतना डिफरेंस नहीं है, मैं मानता हूँ फाइव फिंगर से स्लाइटली तुम लोग का जो है मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि एक उंगली एक्स्ट्रा यूज करते हो तुम लोग तो यार उसका फायदा तो थोड़ा बहुत मिलता ही है। लेकिन फोर फिंगर में भी कुछ खराबी नहीं है, अगर तुम लोग के पास छोटा फोन है तो यार तुम लोग फोर फिंगर जरूर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार मुझे तुम लोग को इस वीडियो में यही डिफरेंस के बारे में बात करनी थी, कैसे फाइव फिंगर तुम लोग खेल सकते हो फोर फिंगर
मैंने सेटअप्स भी बता दिए तुम लोग को मेरे हिसाब से कैसे तुम लोगों को खेलना है, ठीक है। तो गाइस यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना है। अगर जो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वाली वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर की बिना कहीं मत जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट पबजी मोबाइल के वीडियो में। बाय बाय।